So the recording has started. So a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का लेक्चर जो है, we have to finish this answer, okay? How will you classify business objectives? So मैं आपको वही बोल रही थी, ऑर्गेनिक एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे थे, वी वर बेसिकली डन विथ इट, ओके? व्हाट वी हैव टू स्टार्ट टुडे, हमने सोशल भी इनफैक्ट स्टार्ट कर ही लिया था, ओके? उसमें कुछ ग्रुप्स रह गए थे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ओके? सो सी, फर्स्ट वन दैट आई टोल्ड यू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, क्या आ जाता है कस्टमर्स में, कि तुम उन्हें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दो, यू नो, तुम राइट प्राइस चार्ज करो कस्टमर्स से, ओके? अच्छी, यू नो, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हमने बेच दिया एक बार तो हमारा काम हो जाएगा. आई मीन आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट डीलर्स, सो सी स्टूडेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डीलर्स. अगर मैं आप लोगों को बताऊँ डीलर्स कौन होते हैं स्टूडेंट, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मोबाइल की कंपनी है, ओके? तो अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊँ, तो वॉट नॉर्मली हैपन्स इज, यू नो, मैं खुद तो पार्ट्स जो होते हैं मोबाइल के, मे बी चार्जर है या तो स्क्रीन लगता है, मैं खुद नहीं बना रही हूँ, मैं किसी लोगों से रॉ मटेरियल ले रही हूँ, तो दे बिकम डीलर्स फॉर मी, ओके? मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ बेसिकली, कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीलर मुझे राइट टाइम पे, यू नो, दीज आर स्टूडेंट्स आइडियली सप्लायर्स, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. डीलर कौन होते हैं जो हमारे लिए प्रोडक्ट बेचते हैं? तो मैं सप्लायर्स की बात करूँ, इफ वी एक्सपेक्ट देम कि वो हमें टाइम पे सप्लाई करे, तो दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट ना कि हम उन्हें टाइम पे पैसा दे दे, राइट? आई मीन आप उनसे भी आइडिया सजेशंस लिया करो, ओके? अभी मैं डीलर्स की बात कर रही थी. डीलर्स का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ओके? तो आई मीन वो लोग अगर अच्छा कर रहे, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, कंपनी में कमीशनिंग का सिस्टम चलता ही है. कमीशन मतलब जो जितना ज़्यादा कर रहे हैं, हम उसको उतना ज़्यादा कमीशन देंगे, राइट? तो वही मैं आपको समझा रही थी कि, यू नो, राइट, हम उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे. मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, कई बार मर्सिडीज एंड ऑल, जो अच्छी 1 करोड़ की कार है, उनके डीलर्स है बेसिकली कंपनी, उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देती है. वाई? बिकॉज उनके, आई वुड से, यू नो, उनके बिहेवियर पे सेल्स डिपेंड है, राइट? हाँ, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. फिर मैंने आपको बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, मीन्स वॉट, तुम एम्प्लॉयज को राइट टाइम पे सैलरी दिया करो, ओके? आई होप यू रिमेम्बर, राइट टाइम पे सैलरी दो, अच्छे वर्किंग कंडीशंस दो, मेक श्योर उन्हें, यू नो, जो लोग फैक्ट्रीज में स्पेशली काम करते हैं स्टूडेंट, आप उन्हें हेलमेट्स दो सिर पे पहनने के लिए, कुछ मशीन ऑपरेट कर रहे तो ग्लव्स दिया करो. यू विल आस्क मी ना वाई बेसिकली दिस, यू नो, ताकि वो लोग अपना, ऐसा नहीं है कि एज अ कंपनी हमारा काम नहीं होता है, नो, कल अगर एम्प्लॉय को कुछ लग गया, उसके साथ गलत हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कंपनी, राइट? मतलब वेलफेयर फैसिलिटीज का अगर मैं बात करूँ, तो उन्हें कैंटीन फैसिलिटी दो, फर्स्ट एड फैसिलिटी दो. सी स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स जो कंपनी को देना ही चाहिए, राइट? ओके, ग्रेट. सो आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अ फ्यू मोर ग्रुप्स जो हमारे बेसिकली रह गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आपको पता है आरबीआई, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ अवर सेंट्रल बैंक, ओके? मतलब अगर कंपनीज है, इन्होंने अगर आरबीआई से पैसा लेके रखा है फॉर एग्जाम्पल, ओके, मेक श्योर यू पे देम बैक ऑन टाइम जो पैसा है. ऐसा नहीं है कि, यू नो, विजय मल्या के जैसे तुम देश छोड़ के भाग जाओ. नो, जो भी तुम्हारे ड्यूज है, तुम क्लियर कर दो उसको, ठीक है? फिर आप लोग देखो, सेम वे अगर आपने लोन्स लिए हैं, नॉट जस्ट आरबीआई, कोई भी प्राइवेट बैंक है, इंस्टीट्यूट से, जस्ट पे देम बैक, ओके? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट. सी स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आप लोगों को बताया जो गवर्नमेंट है बेसिकली,
उनके तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डज गवर्नमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज अ कंपनी कि आप टाइम पे उन्हें टैक्सेस दे दिया करो वापस, यस और नो? तो वही कहा है कि जो भी ये जीएसटी हो, टैक्स फाइलिंग, अभी उसका ही काम चल रहा है, मतलब जो भी हो आप आपके ड्यूज क्लियर कर दो बेसिकली, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है? नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट इज शेयर होल्डर्स, मैंने आपको कहा था शेयर होल्डर्स का क्या पर्पस होता है टूवर्ड्स एनी कंपनी, आई मीन कंपनी का व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कंपनी, यू नो हम लोग ने आपके कंपनी में पैसे रखे तो जो भी डिविडेंड्स एंड ऑल हो हमें टाइम पे मिलने चाहिए, यस और नो? अदरवाइज नो वन वुड बी हैप्पी। वही मैं आपको चीज समझा रही हूँ, उन्हें राइट टाइम पे बोनस देना, कंपनी का रियल पिक्चर उन्हें बताओ, कोई भी चीज छुपाओ मत उनसे, ओके? फिर सप्लायर्स की अगर मैं बात करूँ, आई हैव डन इट। फिर टुवर्ड्स मीडिया, नाउ सी स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, आपको पता ही है मीडिया का रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है। मीडिया को हमें यू नो वी शुडंट ब्राइब देम और मैनिपुलेट देम कि आप लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बताओ सबको, आई मीन यू नो ये ब्राइबिंग का जो है, ओके, कुछ भी है, ऑल ऑफ इट शुड बी बेसिकली अवॉइडेड। जो रियल पिक्चर है जैसा हो रहा है वैसे ही दिखाओ, ओके? एंड इफ आई टॉक अबाउट वन मोर ग्रुप, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स, इसका क्या मीनिंग है बेसिकली? वी शुड ऑलवेज एंश्योर, सी स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वॉच द मूवी गुरु, ओके, और धीरू भाई अंबानी की लाइफ पे बेस्ड है, व्हाट वाज शोन इन द मूवीज, यू नो वंस धीरू भाई वॉज ट्राइंग टू ब्राइब द प्राइम मिनिस्टर, वो दिन पे ही वॉन्टेड टू यू नो इन अ वे क्रिएट अ मोनोपोली। मोनोपोली का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली? कोई एक जो है वही सब बिजनेस चलाएगा, एक का ही पावर रहेगा। सी स्टूडेंट्स जब भी यू नो कस्टमर को भी क्या होता है, हाँ सिंगल सेलर, मतलब क्या, अगर एक ही सेलर है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें उससे खरीदना ही पड़ेगा, राइट? तो इसमें आई मीन तुम किसी और को आगे ही नहीं आने दे रहे हो, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। तो कंपटीशन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मीनिंग क्या हो जाता है? एवरी वन शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है? तो ये सब जो थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, मैंने आप लोगों को अभी जो कहा है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डू विद द नेक्स्ट वन जो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मतलब इट्स रिलेटेड टू एचआर, हमारी कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्सेस काम कर रहे हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई होते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, सी स्टूडेंट्स आप लोग ही मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल यू टेल मी, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वॉट इज द फर्स्ट थिंग यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कंपनी? आप लोग क्यों कंपनी में काम करते हो, वॉट इज द ओनली रीजन, टेल मी इन द चैट बॉक्स, किस चीज के लिए आप काम करते हो, वॉट इज इट नोन एज? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ राइट फैजा, गुड, टू अर्न सैलरी, गुड रसा, दीज पीपल ऑलवेज आंसर इन माई लेक्चर, इनके नाम बाय हार्ट हो गए मुझे, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, तो कंपनीज जो होती है ना, आइडियली स्टूडेंट्स दे आर सपोज टू पे सैलरी, गुड निकिता, दे आर सपोज टू पे सैलरी ऑन टाइम, ठीक है? क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स इज गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स, यू नो स्टूडेंट्स कई बार इन इंडिया स्पेशली एज अ कंट्री आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, देर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या होता है मोस्टली अगर कोई विमेन काम कर रही है कहीं पे, या तो बच्चे अगर काम कर रहे हैं, वॉट नॉर्मली हैपन्स इज यू नो ऐसा नहीं होता है, विमेन एंड बच्चे भले ही वो लोग सेम अमाउंट का काम करते हैं, बट वेन इट कम्स टू पेमेंट उन्हें कम पेमेंट दिया जाता है एज कम्पेयर टू मैन। सो बेसिकली यहाँ पे वही कहा है कि यू नो देर शुड बी इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, मतलब जो जितना काम कर रहा है उसे उतनी सैलरी मिलनी ही चाहिए, दैट इज बेसिकली वॉट इज टोल्ड ओवर हियर इज, राइट? ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है? टाइम पे दिया करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन अननेसेसरी मत करो, ओके? नेक्स्ट पॉइंट इफ आई टॉक अबाउट, तो ये फर्स्ट था। सेकेंड वन अगर मैं बोलूँ,
इकोनॉमिक वेलबींग, इसका क्या मीनिंग है? तुम उन्हें अच्छे वर्किंग कंडीशंस दो. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग अगर फ्यूचर में कभी भी फैक्ट्री विजिट करने जाते हो ना, जस्ट सी वहाँ के वर्किंग कंडीशंस जो है, आई मीन व्हाट नॉर्मली हमें क्या अजम्पशन होता है कि मैम कंपनी तो एसी होता है, यू नो वहाँ पे एकदम सब कुछ हाई फाई होता है, बट नो स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द रियलिटी. मेनी टाइम्स व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, यू नो क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज वो लोग जो वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं, दे आर रियली नॉट गुड. आई मीन यू नो हम लोग वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, 1 मिनट भी हम लोग खड़े नहीं रह सकते, राइट? मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाह रही थी बेसिकली, कि तुम अच्छे वर्किंग कंडीशन, आई मीन यू नो कई बार एम्प्लॉय स्टूडेंट्स बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, आई मीन इतना क्राउडिंग हो जाता है, लोगों की भीड़ भाड़ हो जाती है, राइट? आई मीन इनफ तुम उन्हें स्पेस दिया करो, ऐसा कुछ ना हो इसलिए, राइट? आई मीन कई बार एम्प्लॉयज को अगर आप देखो, स्टूडेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, आग लग गई तो आई मीन यू नो फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रेडी होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि कंपनी क्या बोल रही है कि मुझे फायर एक्सटिंग्विशर का पैसा बचाना है, मैं क्यों रखूँ मेरी कंपनी में. नो, आफ्टर ऑल यू शुड बी कंसर्न अबाउट योर एम्प्लॉयज ऑल्सो, उसी चीज़ के बारे में कहा है, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ. किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने सोशल ऑब्जेक्टिव्स कर दिए. एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो है, दे आर कंसर्न विथ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, राइट? ग्रेट. अभी आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फर्म मी वन थिंग, क्या मैंने आप लोगों को गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल दिया है? वॉट इट इज गोदरेज छोटू कूल? जस्ट आंसर मी, जो लोग रेगुलर बैठते हैं, फैजा एंड ऑल ऑफ दैट, निकिता, राइट? थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. दिया है. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट रिमेम्बर, गुड गुड टू सी सो मेनी पीपल आंसरिंग. लेट मी टेक योर नेम्स. रजा, निकिता, रोशन, फैजा, सागर, अफसाना, भक्ति, वेरी गुड. हाँ, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इट इज नथिंग गुड रजा, इट इज नथिंग बट अ मिनी रेफ्रिजरेटर, जो मैं रिफर कर रही थी, राइट? 2-3 हज़ार का एक छोटू सा फ्रिज है, गोदरेज का आइडिया था. इट इज अ वेरी हिट प्रोडक्ट स्पेशली इन रूरल एरियाज, गाँव के साइड के लोगों को काफी पसंद आया, राइट? इतने कम प्राइस में. नाउ सी स्टूडेंट्स, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसका बेसिकली क्या हो जाता है, तुम वर्कर्स को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, राइट? दिस इज नथिंग बट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, क्वालिटी सर्कल, MBO करके एक वर्ड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका क्या मीनिंग है कि तुम एम्प्लॉयज को भी थोड़े डिसीजन लेने दिया करो, सब कुछ तुम खुद मत करो, ओके? सो आई मीन यू नो वॉट आई मीन इज, अगर हमने एम्प्लॉय की सलाह नहीं ली होती तो ये आइडिया हमें कभी नहीं मिलता, राइट? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का गोदरेज छोटू कूल वुड नेवर हैव बीन. कोई MBA लेवल का आदमी वो आइडिया नहीं लेके आया था, एक मामूली सा वर्कर लेके आया था वो, राइट? हाँ. नेक्स्ट, इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, वेलफेयर फैसिलिटीज, मतलब मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊँ क्या इसका मीनिंग हो जाता है. वेलफेयर मीन्स कैंटीन प्रोवाइड करो तुम एम्प्लॉयज को, रेस्ट रूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मैं गोदरेज का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब यू नो स्टूडेंट्स, गोदरेज की फैक्ट्री स्टेशन से थोड़ी दूर है. आई मीन गोदरेज वैसे पास में है, बट गोदरेज का एरिया काफ़ी बड़ा है. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली? सी, वर्कर्स कैन नॉट एफोर्ड कि एवरी डे ऑटो या बस करे, दे नॉर्मली वॉक एंड कम. सो कंपनी क्या करती थी, उन्हें खुद की कंपनी बस प्रोवाइड किया करती थी, राइट? तुम इसमें आके ट्रैवल किया करो, ओके? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ओके? मैं आपको और एक वर्ड बोल रही हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में नया है. लेट मी सी किसको, आई थिंक किसको इसका मीनिंग नहीं पता होगा. नहीं पता, इट्स टोटली फाइन, जस्ट आई वॉन्टेड टू सी. एनी वन नोज द मीनिंग ऑफ दिस स्टूडेंट्स? एवरी वन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स. क्रैश का मीनिंग किसको पता है? वॉट इज अ क्रैश? CRECHE, क्रैश.
ओके ग्रेट. नहीं पता, आई टेल यू, ये काफी नया कंसेप्ट है स्टूडेंट. सी यू नो, ओके ओके, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ये भी एक सर्वे था, रिसर्च जो हमने किया था. व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, एक बार एक लड़की, फॉर एग्जांपल, इफ अ फीमेल, ओके, नॉर्मली वो अपनी शादी के बाद, एंड चलो गुड, अफसाना नोज दिस, गुड, शी इज वेरी नियर, यस. मतलब देखो, मैं पहले समझा रही हूँ क्या होता है बेसिकली. यूज, यू नो, मेनी वुमेन, मोस्ट ऑफ देम मोस्टली क्विट देयर जॉब, ओके, आफ्टर मैरिज, बच्चा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ चाइल्ड एंड जॉब. सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, क्या होता है, तो क्रेश एक ऐसी फैसिलिटी है विद इन द कंपनी, यू नो, जहाँ पे आप लोग अपने बच्चे रख सकते हो. वहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं आया बाई, मौसी, ये सब कंपनी के सैलरी पे ऑलरेडी होती है. दे विल टेक केयर ऑफ योर किड्स. व्हाट आई मीन टू से इज, आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर कोई मदर है, वो ऑफिस में, उसका ध्यान हर टाइम उसके बेबी में रहेगा, येस और नो, कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं, बाई ने खिलाया होगा कि नहीं. हाँ, मेटर्निटी लीव इज डिफरेंट, वो भी आ जाता है, गुड फैजा. हाँ, बट क्रेश मतलब विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस एक सॉर्ट ऑफ नर्सरी होती है, जहाँ पे आप आपके बेबी को रख सकते हो. राइट, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज. आई मीन, इन अ वे, आपकी जो वो वर्किंग मदर है, वो काम भी कर सके एंड अपने बच्चे को भी संभाल सके. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ठीक है, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मेनी कंपनीज, इफ यू सी, ओके, उसमें ये फैसिलिटी, आई वुड से, होती भी है, इंडिया में नहीं भी होती है, फॉरेन में, इफ यू सी, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग ऑफ हैविंग क्रैश फैसिलिटी. ओके, आई होप आपको समझ आए. मतलब नथिंग बट अ प्लेस वेयर मदर कैन डिपॉजिट हर बेबी कंपनी में. हाँ, ड्यूरिंग वर्किंग डेज, यस, यंग चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ. ओके ग्रेट. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. वही देखो, इसमें भी लिखा है, राइट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, हम एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर दे रहे हैं, ओके, उससे व्हाट कैन हैपन बेसिकली इज, यू नो, सी स्टूडेंट्स, एवरीवन वुड वांट कि मुझे फ्यूचर में, करियर में डेवलपमेंट चाहिए मुझे, येस और नो. कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे मेरे करियर में पीछे जाना है. नो, एवरीवन वांट्स टू ग्रो. तो उसमें बेसिकली वही लिखा है, HRD, इसका क्या मीनिंग हो गया, मैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, तुम अच्छे से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया करो, ताकि, यू नो स्टूडेंट्स, व्हेन आई वॉज वर्किंग गोदरेज, मेरी बॉस थी, तो शी वॉज अ गुड एम्प्लॉय, तो कंपनी ने खुद के पैसों पे उसका MBA स्पॉन्सर किया था. राइट, दैट इज नथिंग बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज जॉब सेटिस्फैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. सी, मैं आपको आज एक सेइंग बोल रही हूँ, याद रखना. 90% ऑफ द एम्प्लॉयज, ओके, लीव देयर जॉब बिकॉज ऑफ देयर बॉसेस. ध्यान से सुनो, क्या मीनिंग हो जाता है, लोग खुश नहीं है अपनी जॉब से. देर कुड बी मैनी रीजन्स इफ यू आस्क मी स्टूडेंट्स. यू नो, बॉस खड़ूस है, कंपनी में मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मतलब यू नो, सैलरी बढ़ नहीं रही है मेरी. देर कुड बी मैनी रीजन्स. तो आई मीन, यू नो, जॉब सेटिस्फैक्शन. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको वीडियोज भी दिखाऊंगी फ्यूचर में, गूगल एंड ऑल ऐसी कंपनीज है बेसिकली, ओके, वहाँ पे अगर आप देखो तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, राइट, उन्हें इफ यू सी, यू नो, काफ़ी फैसिलिटीज मिलती है विद इन द प्रिमाइसिस. वो लोग का, यू नो, सॉर्ट ऑफ गार्डन है, दे हैव अ प्लेस वेयर दे कैन प्ले टेनिस. काम करने का मन नहीं है, यू नो, तो आई मीन, तुम टेनिस जाके खेलो. मैं आपको बेसिकली यही समझा रही थी स्टूडेंट्स, राइट. तो आई मीन, यू नो, ये सब क्यों किया जाता है, वो लोग जॉब से खुश रहे, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर रहे. मतलब फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं घर के, मेरे पर्सनल लाइफ का गुस्सा मेरे वर्क पे उतारूँ, या तो उल्टा, राइट. दैट इज वाई, यू नो, हैविंग अ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज पूछो. एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट्स प्लीज आस्क मी नाउ. अभी स्टूडेंट्स वी विल डू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके,
ग्रेट ओके सी स्टूडेंट, अभी लास्ट पॉइंट जो अगर मैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में रह गया था, देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबल पीपल, क्या इसका मीनिंग है आप लोगों को याद है? नथिंग बट मैंने आपको जो हैवेल्स का वीडियो दिखाया था वो, ओके क्या मीनिंग हो जाता है इसका? सी स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हर बार हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, यू नो वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट अवर एनवायरमेंट, राइट? कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हम ऐसी प्रैक्टिसेस करो जो पोल्यूशन कॉज ना करें. मैं आपको गोदरेज का ही एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग इन गोदरेज. वो लोग के पास काफ़ी एरिया है विक्रोली में, फॉरेस्ट एरिया की बात करूँ, इफ दे वॉन्टेड दे कुड हैव इजिली कट डाउन ऑल द ट्रीज, बट वो लोग नहीं कर रहे. वाई? बिकॉज दे बिलीव, मुंबई में आपको पता ही है पोल्यूशन का प्रॉब्लम कितना है. सो आई मीन इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट यू नो लोगों के लिए अच्छा करो, तुम एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा कर रहे हो, येस दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. ओके आई होप मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वन दैट आई टॉक अबाउट कमिंग क्विकली टू नेशनल ऑब्जेक्टिव. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स भी दिख रहे हैं. ये जो पॉइंट्स है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स का आपको नहीं लिखना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट आफ्टर दिवाली वी विल स्टार्ट दिस कंसेप्ट ग्लोबल. उसमें पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का एंड ऑल है बेसिकली, ठीक है? इंडिया में कैसे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया. ओके हाँ, वी आर स्टार्टिंग विद दिस नाउ नेशनल ऑब्जेक्टिव. सी स्टूडेंट्स, नेशनल का मीनिंग क्या हो जाता है? एज अ नेशन हम लोग जो करना चाहते हैं, राइट? सो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव आ गए इसके? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. सी आप लोग देखो, गवर्नमेंट हमारी जो है क्यों इतना इंकरेज कर रही है स्टार्टअप इंडिया, सब लोग अपने बिजनेस खोलो. बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अगर कोई इंडिया में बिजनेस खोल रहा है तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, वो अपने कंट्री के ही लोगों को फायदा हो रहा है, सबकी इनकम जनरेट हो रही है, येस और नो? ओके तो आई मीन वही का है बेसिकली नेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरे कंट्री का GDP अच्छा हो रहा है, येस और नो? नेशनल इनकम सब लोगों की बढ़ रही है, राइट? तो दैट इज वॉट आई मीन टू टेल यू. ओके और अगर अभी सी लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, सोशल जस्टिस. सी स्टूडेंट, सोशल जस्टिस का क्या मीनिंग हो जाता है? कि यू नो आप एक्सप्लॉयटेशन ना करो. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई वर्क प्लेसेस होती है, आपने देखा होगा वहाँ पे रिजर्वेशंस होते हैं विमेन वर्कर्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं कुछ चल नहीं पाते हैं. ओके व्हाट आई मीन टू से हियर इज, क्यों ये सब होता है? इज बिकॉज यू नो हर कोई ग्रुप, एवरी वन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. ऐसा नहीं है ना कि ये लोगों को जॉब्स नहीं मिलनी चाहिए, मतलब कंपनी शुड प्रमोट सोशल जस्टिस ऑल्सो. आप लोग देखो स्टूडेंट, आई नो मैनी कंपनीज फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, इनके लिए अलग से वेकेंसीज भी होती है. ओके आई मीन वॉट दे आर, आई मीन डोंट यू थिंक इट इज अ गुड कॉज सपोर्टिंग समवन? ओके दिस इज नोन एज जस्टिस, मतलब एवरी वन शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. ओके या द नेक्स्ट पॉइंट इफ आई टॉक अबाउट इन नेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. नेशनल प्रायोरिटी मतलब कंट्री का प्रायोरिटी. आप लोग देखो लुकिंग एट इंडिया, ठीक है? आप लोग इंडिया का स्ट्रक्चर देखा, हमारा पॉपुलेशन बहुत है. ओके सो आई मीन आप इंडिया में बेसिकली पॉवर्टी भी बहुत है, यू नो इन रूरल एरियाज. सो आई मीन गवर्नमेंट क्या एम करती है, स्पेशली जो मेडिसिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो सबको अच्छी मिले. ओके मैं आपको वही समझाना चाह रही थी ओवर हियर इज. तो उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट लेती है, मतलब यू नो आप देखो GST में सबसे कम टैक्स खाने की चीज़ों को लगा है, मतलब बेसिक जो है ना फूड क्लोथिंग एंड ऑल. तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि ऐसी जो बेसिक नेसेसिटीज हो वो लोग कम प्राइस में प्रोवाइड करें.
ठीक है। फिर और एक इसमें जो पॉइंट लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, टेल यू डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI, मतलब एक छोटा एग्जांपल। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, जो गांव में लोग होते हैं ना, वो कई बार हम लोग जो मटके खरीदते हैं वो बनाते हैं, छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट की चीज बना लेते हैं। कई लोग होते हैं जूट के बैग्स जो होते हैं खुद बुन के बनाते हैं, राइट। व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, यू नो, ऐसे जो होते हैं छोटे लोग, आई मीन कम, गवर्नमेंट उन्हें भी बहुत सपोर्ट करती है। ऐसे आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में कितना गैप है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये सब जो मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, बट इफ यू सी रूरल एरियाज में उतना, यू नो, आई वुड से बैलेंस ग्रोथ नहीं है। इसलिए कंपनीज जो होती है ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, ओके, ताकि हर कोई, एवरीवन हैज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ सेल्फ सफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी लिखा है सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। मींस व्हाट बेसिकली, सी मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, हम लोग ने क्यों बीच में वो काफी आया था, इवन कपिल शर्मा है प्रमोटेड इन दिस हिज शो, कि आप लोग जो है बेसिकली, यू नो, चाइना से प्रोडक्ट्स मत खरीदो। वॉट इज द रीजन, ताकि लोग इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करें। स्टूडेंट सी, सेल्फ सफिशिएंट का मीनिंग ही यही होता है कि तुम खुद, आप, यू स्टैंड ऑन योर ओन 2 फीट, मीन्स वॉट, सब प्रोडक्शन तुम यहीं पे करो, हम क्यों फॉरेन कंट्री पे डिपेंड हो रहे हैं। अगर हम उनसे चीज खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उससे, यू नो, हमारा पैसा वहां पे जा रहा है, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, ओके। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ, वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, पूरा प्रोडक्शन तुम इंडिया में ही करो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसका क्या मीनिंग है। अगर आप लोग, यू नो, फॉर एग्जाम्पल खुद के कंट्री में करते हो, मैंने आपको कहा है प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उतना गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा, एंड वो टैक्स का कैसे यूज करेंगे, अगेन पब्लिक के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, राइट। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक में 3-4 पॉइंट है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, आफ्टर दैट विल स्टॉप, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। सी आजकल, यू नो, मुंबई में अगर आप देखो, एरिया का कॉस्ट काफी ज्यादा है, सो बहुत फैक्ट्रीज एंड ऑल मुंबई में नहीं है, दे आर मूविंग आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, बाहर में जा रहे हैं। क्यों बेसिकली ऐसा कर रहे हैं, यू नो, आई विल टेल यू द रीजन। अब देखो मुंबई स्टूडेंट्स, मुंबई बहुत डेवलप्ड है, बट महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल ले लो, ओके। देर आर सो मेनी एरियाज, विलेजेस, जहाँ पे अब तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, कल अगर मैं एक प्लांट लगाना चाहती हूँ, मे बी इन अ विलेज एरिया, आप लोग देखो तो कंपनीज अल्टीमेटली व्हाट दे विल डू इज, उन्हें वहां पे वो लोग, सी फैक्ट्री के लिए क्या चीजें लगती है, पानी लगता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा होता है, एंड वर्क फोर्स ऑब्वियसली, तो वो लोग अरेंज कर देते हैं ना। सी स्टूडेंट्स, अभी मैं वहां पे फैक्ट्री खोली हूँ, क्या होगा, कोई लोग तो लगेंगे ना मुझे काम करने के लिए, येस और नो, ओके। तो मेरे कहने का यही मतलब है, तो गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि आप रूरल एरियाज में जाके प्लांट्स खोलो, बिकॉज वहां का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ओके। हाँ, फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आप लोग देखो जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी, US इसके लिए इतना आगे है, राइट, वहां पे इतनी सारी फैक्ट्रीज है, इतना डेवलपमेंट है वहां पे, ओके। हाँ, फिर नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी, सी स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या होता है, विल टेल यू। बिजनेस फॉर्म्स जो होती है, ओके, आइडियली दे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन मे बी एनी रिलीजियस फाइट्स। आप लोग देखो इंडिया में स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट हिंदू मुस्लिम राइट्स इज अ वेरी कॉमन इश्यू, या तो फिर, यू नो, कोई बिजनेसेस है, ओके, दे व्हाट दे ट्राई टू डू इज, यू नो, मे बी अननेसेसरीली एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं, ओके। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, विच इज अगेंस्ट द हार्मनी। हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है, यूनिटी इन हार्मनी, मतलब सब लोग जो है एक साथ मिलके रह रहे हैं, येस और नो, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 पॉइंट्स नाउ, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप, ओके। आगे जो पॉइंट लिखा है दैट इज नथिंग बट सोशल वेलफेयर,
यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो. सोशल वेलफेयर का मीनिंग क्या हो जाता है? सोसाइटी का भला करना. हैवेल्स का वीडियो आपने देखा ही था. बेसिकली यू नो वो अलवर करके जगह थी, राजस्थान में था. आप लोग देखो, उन्होंने स्कूल्स खोल के रखी थी वहाँ पे. वो लोग यू नो मिड डे मील्स मतलब बच्चों के लिए खाने का अरेंजमेंट कर रहे थे, राइट? अदर देन दैट हाइजीन, टॉयलेट्स एंड ऑल अच्छे बिल्ड करके दिए थे. मैं आपको वही बताना चाह रही थी. बेसिकली ये सब जो पॉइंट्स है आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल लिखा है. आपको स्टूडेंट्स यू नो अजीम प्रेम जी इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? अजीम प्रेम जी, उन्होंने ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ डोनेट किए हैं इन 2012. यू नो अजीम प्रेम जी, विप्रो इज एन आईटी कंपनी. इसके अलावा हैव यू हर्ड ऑफ, आई विल टाइप द नेम इन द चैट बॉक्स ताकि आपको पता चले मैं क्या बोल रही हूँ. अजीम प्रेम जी ऑफ विप्रो, ओके. फिर नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस. यू प्लीज राइट दीज एग्जाम्पल्स ओके इन द आंसर, तो आई विल गिव यू मोर मार्क्स. हाँ, नारायण मूर्ति की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, इन्फोसिस भी एक आईटी कंपनी है. इन्होंने इनका काफ़ी पैसा जो है एडुकेशन में इन्वेस्ट किया है. मतलब स्पेशली जो लोग गांव में एंड ऑल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए फ्री में पढ़ाई करवाना. ओके स्टूडेंट्स, हमें लग रहा है इसमें करोड़ों रुपये लगते हैं. वॉट आई मीन टू से इज, और एक अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, आपको पता है स्टूडेंट्स इंडिया में कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, नेचुरल कलेमिटीज आ जाती है, राइट? तो ऐसे टाइम पे भी यू नो कंपनीज, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कि ऐसी जो कंपनीज है, टाटा का भी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, ओके, तो ये जो होता है बेसिकली इवन दे एक्सपेक्ट ओके कि उन्हें अच्छा सपोर्ट मिले कंपनीज की तरफ से, राइट? यस, टीसीएस ऑल्सो. सो वही मैं आपको बोल रही हूँ, ये आंसर हमारा हो चुका है. मैं आपको और एक वीडियो दिखाऊं? शुड आई शो यू अ वीडियो नाउ? बिकॉज हमारे आंसर्स हो चुके हैं, थोड़ा टाइम है हमारे पास. ओके सो जस्ट लेट मी टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन फर्स्ट. एक्सप्लेन द सी स्टूडेंट्स, आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ओके, दिस इज सेम क्वेश्चन ही है, डोंट गेट कंफ्यूज. हाउ विल यू क्लासिफाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? एक्सप्लेन अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है, आप लोगों को आज सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं. लास्ट टाइम आप लोगों ने ऑर्गेनिक एंड इकोनॉमिक लिख दिए थे, फाइन. ओके हाँ, मतलब जो लोग लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे क्या बोलेंगे, मैम सेम क्वेश्चन दिया है आपने, नो बट आंसर्स डिफरेंट लिखने हैं, राइट? ओके ग्रेट. सो नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस. मैं आपको टीसीएस पे एक छोटा उनका क्या सीएसआर कर रहे हैं उसका वीडियो दिखा देती हूँ. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. ओके क्विकली आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माई स्क्रीन. लेट मी टर्न ऑन माई वीडियो फर्स्ट. फटाफट यूट्यूब पे जा रही हूँ. लेट अस सी वीडियो मिल रहा है कि नहीं, अदरवाइज वी कैन ऑलवेज वॉच नेक्स्ट टाइम. ओके डोंट वरी अबाउट इट. CSR of Tata Group. Let us have a look at this video, students. Inspiring a better tomorrow. मैं आपको बोल रही थी स्टूडेंट, राइट? इंडिया में ये सब नेचुरल कैलामिटीज आए थे, अर्थक्वेक्स आए थे, तो हाउ टाटा क्या कर रहा है टुवर्ड सोसाइटी, खुद की कंपनी की तरफ से पैसे दे रहा है, राइट?
गिव एंड ग्रो, दिस इज व्हाट द कंपनी बिलीव्स. ओके, इंडिया एंड नेपाल में क्या उन्होंने सीएसआर किया है उसके बारे में बोला है. ओके, उनकी खुद की टीम है स्टूडेंट्स. ओके, द पे दीज वॉलंटियर्स. ओके, these students इतने कम्युनिटी के लिए, these they are not doing it, okay, for the purpose of giving back to the society, सब कर रहे हैं. okay, ये सब उनकी कंपनीज है, राइट? टाटा हाउसिंग, होटल, इंडियन होटल कंपनी, ग्लोबल बेवरेज, मतलब हर एक कंपनी इतना कुछ कर रही है. ओके, टीसीएस आप लोगों ने कहा ही नहीं, जागुआर भी उनकी कंपनी है. इवन इन अदर कंट्रीज, नॉट जस्ट इन इंडिया. ओके, स्टूडेंट्स इवन फॉर द एनवायरमेंट. ओके, फाइन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया है आज का लेक्चर. ओके, नाउ आई डोंट नो व्हेन वील बी मीटिंग, आई थिंक डायरेक्टली आफ्टर दिवाली, राइट? सो वही मैं बोल रही थी आपको, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंजॉय योर हॉलीडेज, टेक केयर. ओके, आई विल